दीदी हदी कहाँ रह गए थे तुम लोग? और तुम लोगों ने ये क्या पहन रखा है? तुम्हें पता है कितना लेट हो गए हम लोग? चलो यहाँ से फटाफट निकलो यहाँ से। दी गोम सारा है, उसने अगर हमें यहाँ देख लिया तो फर्स्ट आएंगे। दी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी दी, चलिए दी। हमें क्या छुपना पड़ेगा दीदी, चलो यहाँ से। दी चलो। दी ओ गॉड प्लीज बचा लो आज हमको। अगर सबको पता चल गया कि हम ऐसे कपड़ों में बाहर थे तो बैंड बच जाएगी। प्लीज दी कुछ करो। दी दी चाबी। ए पीटर, दी किसी की चाबी है लेकिन हमको तो गाड़ी चलानी नहीं आती है। दी अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। क्यों? लेकिन मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। प्लीज दी, बट कुछ तो करना पड़ेगा ना। दी चलिए ना दी, प्लीज 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 चलिए ना दी, चलिए ना। गाड़ी में बैठ तो गए लेकिन इसे चलाएंगी कैसे दी? अरे यार दी ऑन करो ना गाड़ी। बिल्कुल, और गोम्स भी नहीं दिखेगा हमको। थैंक गॉड। फावती सुपर्ब दीदी, जल्दी से पहुंचकर ना कपड़े चेंज कर लेंगे। हाँ फिर हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा कि हमने ये कपड़े पहन रखे थे। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। मार्केट में मैं गर्ल्स को देखा मैंने, और वो अनु उनके साथ में थी। तुम पागल हो गए हो, फिर से दारू पीना शुरू कर दिया तुमने? नो 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 मदर, गॉड प्रॉमिस मैं दारू नहीं पीता। मैं वो लड़की लोग को देखा मैंने, एकदम अलग लग रही थी, एकदम अलग कॉस्ट्यूम था उनका, और बट आई एम डेफिनेटली श्योर वो अनु उनके साथ में थी। मुझे अनु पर पूरा भरोसा है, ना तो वो खुद ऐसा करेगी और ना किसी और को ऐसा करने देगी।
मदर 6 साल से मेरे साथ में है, उसकी तो याददाश्त भी चली गई, कुछ याद नहीं है उसे उसके बारे में। वो तो गॉड ने किसी तरह हमसे उसे मिला दिया, वो भी इसलिए शायद गॉड की आत्मा उसके आत्मा से जुड़ गई। आत्मा गॉड की आत्मा से मिली होगी, पर जो मार्केट में मैं मदर टीना भी उनके साथ में थी। आप खुद चल के देखे ना मदर प्लीज। ओके फाइन, तुम्हारा विश्वास तोड़ने में मुझे खुशी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलकर देखूंगी। चलो प्लीज मदर प्लीज कम। तो मैं क्या है ना, उधर मार्केट में मैं गया था, दो चार लड़का लोग से बात कर रहा था, फिर सामने से गाड़ी एकदम से गुजरा, मैं देखा सब लड़की लोग एकदम शॉर्ट ड्रेसेस वगैरह में उतर था और ड्राइव कर रहा था जो अपना अनु ड्राइव कर रहा था। शट अप, गुड इवनिंग मदर। गुड इवनिंग मदर। गुड इवनिंग मदर। गुड इवनिंग गर्ल्स। टीना मदर मदर गॉड प्रॉमिस, इन लोगों को मार्केट में देखा था मैं, वो गाड़ी में थे ये लोग और वो ड्राइविंग अनु का। अनु 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 किधर है? अनु कहाँ है गर्ल्स? वो अनु दीदी यहीं पर, मैं यहाँ हूँ। आपने बुलाया अंकल गुम्स? आपकी कैब शायद मार्केट में गिर गई थी, वो पीटर आंटी है ना, वो बता रही थी, कहीं आप बॉटल लेने तो नहीं गए थे? क्या क्या बात करती है, मैं पीटर लेने के लिए बॉटल के पास जाऊंगा? प्रॉमिस प्रॉमिस मदर, कैब पीना छोड़ दिया मैंने। और मार्केट वो अनु में क्या करी थी? गॉम्स अनु सब ठीक है? ठीक। ये हाथ में क्या हुआ? थोड़ी सी दर्द हो रही है। टेक केयर। अच्छा आपको हिसाब चाहिए ना, मैं अभी आकर देती हूँ। यस थैंक यू दी, थैंक यू वेरी मच। सच्ची में अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। अंकिल गुम की हालत देखी थी? वो कैप वाली बात तो कमाल की थी ना दीदी। वाह। और दी, मदर के सामने आपने हमारे लिए झूठ भी कहा था, उसके लिए थैंक यू। एक सेकेंड, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने गाड़ी चलाना कहाँ सीखा? आपको तो साइकिल चलानी भी नहीं आती है और आप गाड़ी तो ऐसे चला रहे थे जैसे सालों से चलाते आ रहे हो। शूशा हाय बाय। क्या हुआ अनुदी, आपके हाथ में दर्द हो रहा है? हाँ कल मार्केट में ना शायद मोच आ गई है। आओ बैठो आप। पता है ना, एक बार मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मेरे पास इसका क्योर है, मैं अब भी लेकर आती हूँ। पता नहीं क्या लेने गई है, मेरे पास है ना पेन किलर है, मैं अभी लेकर आती हूँ। इस बैंडेज को लगाने से ना आप जल्दी से ठीक हो जाओगी।
क्या हुआ दी? सब ठीक तो है ना? शायद बुरा सपना देख रहे हैं। कोई बुरा सपना था? आप पानी वो गाड़ी जो हम चुरा कर लाए थे उसका क्या? वापस तो हम कर नहीं सकते, पता नहीं किसकी है। मैं कल सुबह जाके मदर को सब सच सच बता दूं। नहीं दीदी, आप रहने दो, आप कुछ भी मत करो। मैंने सारी सेटिंग कर ली है और अब आप सो जाओ बस। गुड मॉर्निंग मदर, आपने बुलाया? व्हाट हैपेंड माय चाइल्ड, क्या हुआ तुम्हें? जी कल क्या हुआ बोलो। कल वो कल शॉपिंग के लिए जा रही थी ना, तो क्या हुआ कि कार के बाहर एक बड़ा देना। आई एम टॉकिंग टू अनु, प्लीज गो। अनु क्या हुआ बोलो। कुछ नहीं, आपने बुलाया था? यस, ये है ब्रदर फ्रांसिस। कुछ दिनों के लिए हमारी मदद करने के लिए यहीं रुकने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माय चाइल्ड। मिस्टर फ्रांसिस, अनु 6 सालों से हमारे साथ रह रही है, इसे कुछ भी याद नहीं। सोचती हूँ कि क्या करूं मैं। बेटा, जो हो गया उसको लेकर पूरी जिंदगी दुख तो नहीं मनाया जा सकता, हर इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। मतलब ये, ऋचा को देखो, उसकी शादी हो रही है। देखो बेटा, ऋचा और तुम एक ही एज के हो, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे लिए भी लड़का ढूंढना चाहिए। तुम्हारी क्या राय है? मेरी राय ये है मदर, कि आपको 3 से 4 लड़कियों की शादी एक साथ करनी चाहिए, जिससे हमारा पेपर वर्क भी एक साथ कंप्लीट हो जाएगा और आपका पैसा भी बहुत बचेगा। आप ठीक कह रहे हैं ब्रदर फ्रांसिस, लेकिन अन्नु मेरे लिए बाकी लड़कियों से अलग है। मैं इसका डिसीजन सुनना चाहती हूँ। तुम क्या कहती हो बेटा? जैसा आप ठीक समझ। तो तुम्हारे लिए लड़का ढूंढे, या तुम्हारी नजर में कोई लड़का है, कोई नाम है तुम्हारे माइंड में? फतेह सिंह राठौर, सॉलिड नाम है ना? पर पता नहीं यार, मुझे अनु दीदी की वजह से बहुत टेंशन हो रही है। उन्होंने मदर को गाड़ी के बारे में तो नहीं बताया होगा ना? तू उस बात की चिंता मत कर। अरे कैसे ना करूं, अनु दीदी तो किसी की भी बात मान जाती है, और फिर मदर की तो खास तौर पर। मैंने ना अनु दी को रात में अच्छे से पट्टी पढ़ा दी थी। मैंने बोल दिया कि हमने वो गाड़ी वापस कर दी। तो फिर ये गाड़ी? सब समझेंगे कि गोम्स की खटारा गाड़ी है, और इसको झाड़ियों से ऐसे कवर किया था, कोई नहीं पहचानेगा। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ ये गाड़ी फतेह सिंह राठौर की है। जब गाड़ी ऐसी है तो फिर वो कैसा होगा?
मुझे तो लगता है कि बुड्ढा कैसा नाम है बूढ़ो टाइप। ओ शट अप, मुझे तो लगता है ना कि वो एकदम हैंडसम क्लासी अमीर टाइप का लड़का होगा। आइडियल बॉय ऐसा हो जो लड़कियों की इज्जत करे। कोई बैड हैबिट्स ना हो। सुबह उठकर गॉड को याद करता हूं। फतेह, आज तेरी डैड की बरसी है। जो अपने माँ बाप की इज्जत करता हो उसके दिल में लोगों के लिए प्यार हो, अपनापन हो। Cheers, Dad. जो रिस्पॉन्सिबल हो, चीजों की कद्र करता हो, उन्हें संभाल कर रखता हो। सर, गाड़ी चोरी हो गई। और आ जाएगी। है, ये सब बातें तो बाद की है, पहले वो काम कर लेते हैं जो बाकी है। वैसे मदर, काम क्या है? मिस्टर जसवंत सिंह राठौर जिन्होंने ये आश्रम बनाया था, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। उनका बेटा आ रहा है लंदन से। मदर, वैसे मैंने उसके बारे में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं सुना हुआ, लेकिन वो कैसा है मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। कल आ रहा है, आप खुद ही मिल लीजिएगा। जी, मैं तैयारियां करके आती हूँ। तो ज्यादा ही पता है। मैं कह रही हूँ ना, लव में ऐसा ही होता है। अनु दीदी, क्या हुआ? दीदी देखो, ये मुझसे झगड़ रही है। ये बातें इतना स्टूपिड करती है। हाँ, ये कोई झगड़ा करने का टाइम है? तुम्हें पता है ना, हम सबको रिहर्सल्स करनी है। तो पहले आप फाइट खत्म करो। मैं कह रही हूँ कि जब बॉय और गर्ल लव करते तब शादी के टाइम पे बॉय को घुटने पे बैठना पड़ता है। ये बातें इतनी स्टूपिड है। अगर बॉय घुटने पे बैठेगा तो गर्ल से शॉर्ट हो जाएगा ना, तो छोटे दूल्हे से कौन मैरिज करेगा? अरे दूसरी बात है, आप ही समझाओ ना इसे। देखो, प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर वो लड़का चाहता है कि लड़की पूरी जिंदगी उसके साथ रहे तो घुटनों पर बैठना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। वो लड़की से उसकी पूरी जिंदगी मांग रहा है, चाह रहा है कि जहाँ वो जाए लड़की उसके साथ जाए। तो तुम ही बताओ, इसमें छोटा कौन हुआ और बड़ा कौन हुआ? क्या आप सीधा सीधा बोलो ना, लड़का घुटने पे बैठेगा या नहीं? मुझे आपकी कोई बात नहीं समझ पा रही। हाँ बाबा, हाँ बैठता है, अपने घुटने पर बैठता है और लड़की से उसका हाथ भी मांगता है। देखा, ये जो बड़ी दीदियाँ होती है ना, उन्हें प्यार के बारे में सब पता होता है ना दीदी। क्या कर दिया? अनु, क्या हुआ बेटा, इतनी सैड क्यों हो तुम? मदर, वो बच्चे है ना, उनसे कलर की बॉटल टूट गई। So what? पूरे 20 रुपए की थी मदर। वो शीशी तुमने तो नहीं तोड़ी ना? लेकिन मेरे सामने ही टूटी ना। उन लड़कियों को मेरे पास भेजो। मदर, अनु, बच्चों को इतनी भी छूट नहीं देनी चाहिए। उनसे कुछ कहने के बजाय तुम मेरे पास आकर रो रही हो। जी, वो बच्चों को कोई तो डिसिप्लिन सिखाने वाला चाहिए कि नहीं? बच्चे तो गलती करते है ना, और आप उन्हें पनिश करोगे? यस, गलती की सजा मिलनी ही चाहिए।